हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है ये वीडियो, तो उसमें पोस्ट इक्विवेलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एनसीबीसी की वेबसाइट का ही मेमोरेंडम है। ये कहाँ से डाउनलोड किया गया है मैं बता देता हूँ अभी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पीएसयू रहेंगे, बैंक रहेंगे, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, उनमें जो पोस्ट है उसका गवर्नमेंट ने इक्विवेलेंस किया है ये जानने के लिए कि कौन क्रीमी लेयर में कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, नॉन क्रीमी लेयर रहेगा। तो इस अगर पीडीएफ को चाहिए अगर आपको, तो ये एनसीबीसी की वेबसाइट, जस्ट गूगल पे एनसीबीसी एंटर करना है और ये साइट पर आ जाएंगे आप। इसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है कॉलम, यहाँ पर आपको दिखेगा क्रीमी लेयर, तो इसमें जाना है। क्रीमी लेयर में जाने के बाद ये जो दिख रहा है DOPT मेमोरेंडम, इसमें जाना है। इसके बाद इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ये व्यू एंड डाउनलोड में, DOPT OM ऑर्डर रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ OBC, इसमें जाना है। तो ये आपकी खुलेगी एक लिस्ट। अब इसमें यहाँ देखिए ये जो डेट लिखी हुई है, यहाँ डेट में ये 1990-91 है, तो आपको सीधे नीचे आ जाना है। तो इसमें आपको डेट दिखेगी ये 8/6/2018 को जो डला है, रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट फ्रॉम OBC रिजर्वेशन ऑफ इनकम क्राइटेरिया एंड डिटर्मिनेशन इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट इन CPECs, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद पोस्ट, इसके बारे में है, ठीक है, विद पोस्ट इन गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर PDF पे हम क्लिक करेंगे तो इस PDF में आ जाएंगे। अब इस PDF में जो है 8 पेज है टोटल। तो ये इनिशियली तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीफ सेक्रेटरी है ये बात कर रहे हैं, मतलब टू द चीफ सेक्रेटरी लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, रिवीजन ऑफ इनकम क्राइटेरिया, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ये PDF है, इसमें जो शुरू के जो 6-7 पेज है उसमें यही सब रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि ये 1993 में 1 लाख की इनकम थी, पूरा डिटेल में बताया जाता है, फिर कब कब अमेंड हुई है ये इनकम क्राइटेरिया। तो हमको, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज़रूर पढ़िए पूरा। बाकी जो इक्वलेंस वाला पार्ट का जहाँ मेंशन है वो मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली उसी पर, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है ऑफिस मेमोरेंडम में। तो इन्हें बोला है एज द पे पैटर्न पर्क्स एंड अलाउंस ऑफ पोस्ट इन CPSE आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पोस्ट इन गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेलेंस। तो इन्होंने जो ये पर्क्स जो है यहाँ पर PSU, ये जिस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि मतलब ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट फिर भी इसको इक्वेलेंस किया है उन्होंने। तो आगे फिर बताया है कि पोस्ट जो ग्रुप ABCD है उसके बारे में नीचे वाली PDF पेज पर आ जाइए, वहाँ पर अपने को पता चलेगा कि किसको क्या बोला है, कंसिडर करा है, तो और नीचे आना है। तो ये है एग्जैक्टली, मतलब पेज नंबर 7 में, तो पेज नंबर 7 में दिख रहा है जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इस्टेब्लिशिंग इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट इन PSU, बैंक, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन विद पोस्ट इन गवर्नमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग क्रीमी लेयर। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है और जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसको पढ़ना है। तो सेकेंड वाले पॉइंट में जो सब हेडिंग से ए और बी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1, तो जो जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 है ऑफ PSBs, PFI मतलब फाइनेंशियल वाले, PSICs विल बी ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू ग्रुप ए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी पॉइंट में है क्लर्क एंड प्यून्स, यही जो 3-4 सेक्टर बोला, विल बी ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू ग्रुप सी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि जो गवर्नमेंट वाले रहते हैं उनका जो है क्लास ऑफ सर्विस पर डिसाइड होता है क्राइटेरिया OBC क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का। उसके बाद फिर नीचे थर्ड पॉइंट और मेंशन किया हुआ है, फर्दर द इनकम लिमिट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रीमी लेयर अमॉन्ग दी OBC हैव बीन रेज्ड 6 लाख से 8 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2017 से। और ये बताया कि इनकम कैलकुलेशन में जो है आपकी गवर्नमेंट सैलरीज एक्सक्लूडेड होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मेरा पुराना वाला वीडियो है यूट्यूब पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा।